ओके सर। अभी तक खाने कुछ मिला नहीं। और यहाँ हमारा धीरज कल इनके क्लास में घंटा बजाएंगे। कल का तो संडे। हेलो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज हम आ चुके हैं, सॉरी यार बार बार मेरे मुंह से बुलंद दरवाजा निकल जाता है, लेकिन ये लाल किले में हम हैं और ये सभी स्टूडेंट्स वगैरह एक बार फिर से हाय हाय, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप देखोगे मेरे पीछे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ का, बहुत ही जाम हो चुका है पूरा आगरा। और हम अभी कुछ देर पहले ताज भी गए थे, वहाँ पर भी हमने सबका देखा अच्छे से, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और गाइस चलिए अभी हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या आगे पता चलता है और क्या। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यही वो गद्दी है जहाँ पर अकबर बैठकर सभा वगैरह करते थे, यहाँ पर फैसला वगैरह सुनाते थे। और ये बुलंदर, ये जो मकबरा है पीछे, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अजब, एकदम जैसे कहते हैं ना कि सात अजूबे इस दुनिया में आठवां ताजमहल है, तो वो वाली कावत साहब। और जैसे कि मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ, जैसे कि पीछे मेरे देखोगे आप, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं हर साल। आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ आई हुई है यहाँ पर, क्योंकि आज का नया साल फर्स्ट डे है और अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर सब लोग। हर बार मेरा मन बहुत करता है यहाँ पर आने का, तो जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं यहाँ ज़रूर आता हूँ। और आप सब लोग भी आइएगा। YouTube पर मुझे कम्युनिटी टैब मेरा इनेबल हो ही चुका है और आप सब लोग मुझे इतना ही प्यार हमेशा देते रहिए और आपके लिए मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, बनाता रहूँगा। और चलिए हम और थोड़ा घूम लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जो लाल किला है उसके अंदर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, और मैं आपको फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये था साजा का बेडरूम। साजा जी यहाँ पर ही आराम किया करते थे, बहुत थकार कर, बहुत ज्यादा